मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच हस्तरेखा से संबंधित कुछ बातें कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने और देखें तथा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संत श्री कृष्ण भगत परसौनी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच चंद्र से संबंधित कुछ बातें संक्षिप्त में कह रहा हूँ। आपके हथेली में चंद्र पर्वत का चिन्ह हो सकता है। पूरा वीडियो को देखने के लिए प्रयास करें। दोस्तों, ये है गुरु पर्वत। यदि गुरु पर्वत पर चंद्र का चिन्ह हो तो युद्ध में निपुण होता है। ये है शनि पर्वत। ये है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर चंद्र का चिन्ह हो तो साहित्यिक कार्य में सफलता प्राप्त करता है। ये है बुध पर्वत। बुध पर्वत पर यदि चंद्र का चिन्ह हो तो खड़यंत्र तथा धोखा देने वाला प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। दोस्तों, ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर यदि चंद्र का चिन्ह हो तो वासना पूर्ण विचार वाला व्यक्ति होता है। ये है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पर यदि चंद्र का चिन्ह हो तो पागलपन व्यक्ति होता है। यह है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर यदि चंद्र का चिन्ह हो तो ऐसे में व्यक्ति मूर्ख होता है। दोस्तों, ये है राहु और केतु। राहु और केतु पर यदि चंद्र का चिन्ह हो तो पागलपन ही होता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। हो सकता है आपके हाथों पर भी चंद्र का चिन्ह हो। आप इसे मिलान करें और आप जानकारी प्राप्त करें। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संत श्री कृष्ण भगत परसौनी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।